दोस्तों WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल है, जिसके आयोजन में अभी करीब 2 महीने बाकी है। अभी तक केवल कोडी रोड्स ने ऐलान किया है कि वो मेंस रॉयल रंबल मैच में हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नेक्स्ट 2 महीने में स्टोरी लाइन को अधिक से अधिक दिलचस्प बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि रॉयल रंबल साल का सबसे पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, इसलिए फैंस का रोमांच बढ़ाने के लिए इस इवेंट से पहले कई सुपरस्टार की वापसी कराई जा सकती है। तो इस वीडियो में हम उन 3 सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे जो रॉयल रंबल 2024 से पहले धमाकेदार वापसी कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 3, एजे स्टाइल। दोस्तों एजे स्टाइल को WWE TV पर आखिरी बार सितंबर मंथ के एक स्मैकडाउन एपिसोड में देखा गया था। वह फास्ट लेन 2023 के बिल्डअप में हुए एक इवेंट में जॉन सीना के पार्टनर के तौर पर बाहर आने वाले थे, लेकिन बैक स्टेज सोलो सिक्वेंट जिमी उसो ने मिलकर उन्हें इंजर्ड कर दिया था। फिनोमिनल वन तभी से ब्रेक पर चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनकी वापसी को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी। रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्टजर की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एजे स्टाइल इस वीक स्मैकडाउन में रिटर्न कर सकते हैं। यह भी बताया गया कि उनका 4 वीक पहले होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिटर्न के बाद स्टाइल द ब्लड लाइन से बदला लेने की कोशिश करेंगे या नहीं। नंबर 2, सेमस। कुछ महीने पहले एज ने एक प्रोमो कट करते हुए इच्छा जताई थी कि वो अपनी रियल लाइफ फ्रेंड सेमस से मैच लड़ना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा 18 अगस्त 2023 के स्मैकडाउन एपिसोड में पूरी हुई, जहाँ कैल्टिक वॉरियर के साथ उनका मैच आइकोनिक रहा था। उसके कुछ समय बाद ही खबर सामने आई कि सेमस कंधे की चोट से जूझ रहे हैं और वह WWE कंपनी से दूर भी हो गए थे। अब WWE मौजूदा समय की बात की जाए तो द ब्रूलिंग ब्रूट्स भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। रीज हॉलैंड बूच का साथ देने से इनकार कर चुके हैं, इसलिए उम्मीद की जाने लगी है कि द ब्रूलिंग ब्रूट्स को पुनर्जीवित करने या इस फैक्शन के स्टोरीलाइन को कोई नया एंगल देने के लिए सेमस को वापस लाया जा सकता है। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच समर स्लैम 2023 में हुआ था, जहां उन्हें कोडी रोड्स के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब द बीस्ट 2023 में कोई मैच नहीं लड़ेंगे। उनकी वापसी 2024 की शुरुआत में संभव है, हालांकि वे द बीस्ट के फ्यूचर ओपोनेंट को लेकर कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि वह रॉयल रंबल मैच में लड़ते हुए दिखाई दे, जहां से उनकी रेसलमेनिया 40 के लिए एक धमाकेदार फ्यूड की नींव रखी जा सकती है। वैसे भी ब्रॉक लेसनर नियमित रूप से इस बड़े इवेंट का हिस्सा बनते आए हैं और रॉयल रंबल 2024 से पूर्व उनकी वापसी से न केवल स्टोरी लाइन दिलचस्प बनेगी बल्कि WWE को भी काफी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आप रॉयल रंबल से पहले किसका रिटर्न देखना चाहते हैं, आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।